तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन के बारे में। इसका नाम है मी मैक्स अल्फ़ा। वैसे तो आपको शायद पता होगा या फिर आपने कहीं यूट्यूबर से देख भी लिया होगा, लेकिन मैं भी आपको इस पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। सेम इसी फ़ोन की तरह एक आईफोन का कॉन्सेप्ट आया था लगभग 3-4 साल पहले। आईफोन कॉन्सेप्ट फ़ोन था जिसमें आपको, इसमें तो पीछे थोड़ा सा आपको पट्टी देखने मिल जा रही है कुछ इस तरह का, लेकिन उस फ़ोन में टोटली कुछ भी नहीं था। मतलब पूरी स्क्रीन ऐसे लपेट लेती थी फ़ोन में, और आप चाहो तो उसे सीधा भी कर सकते थे। मतलब कि आप अगर फ़ोन यूज़ करना चाहो तो आप पीछे से भी यूज़ कर सकते थे, आगे से भी, और आप चाहो तो उसे टैब भी बना सकते थे। मतलब 7 इंच तक वो सीधा हो जाता था स्क्रीन। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी देख रहा है, लेकिन इसका स्क्रीन जो है फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन वो फिक्स है, आप उसको सीधा नहीं कर सकते। मतलब या फिर आप उसे फ़ोन को आगे इस्तेमाल करो या फिर उसे उल्टा करके इस्तेमाल करो, तो आप ये कर सकते हो, स्क्रीन को बड़ा नहीं कर सकते, वो सीधी नहीं होगी। लेकिन उसमें मोटराइज कैम स्क्रीन थी जो कि पूरे स्क्रीन को लपेट लेती थी फ़ोन में। तो ये फ़ोन थोड़ा सा हटके है, तो इसके बारे में हम आपको ओपिनियन बताएंगे। आपने इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो फटाक से मिल जाए। तो सबसे पहले फ़ोन की बात करें तो इसका जो स्क्रीन है वो फ्लेक्सिबल सुपर एमोलेड से बना हुआ है, जो कि सैमसंग बनाता है। और इसका लगभग 7.9 स्क्रीन की साइज है इंच में, तो आप लगभग 8 इंच बोल सकते हो। इसके अंदर जो हमारा प्रोसेसर देखने मिलता है वो है क्वालकॉम का 855 प्लस प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और इसमें आपको रैम मिलेगा 12 GB का, स्टोरेज मिलेगा 512 GB का, जो कि फ़ोन बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ही यहाँ पे फ़ोन को डाउन कर देती है। वैसे तो आपको हर फ़ोन में 4000, 5000, 6000 mAh तक की बैटरी मिल जा रही है, लेकिन इस फ़ोन में 4050 mAh की बैटरी दी गई है। अब मान के चलो फ़ोन आगे से स्क्रीन रहता है तो हम उसे 10-12 घंटा एक दिन यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन जब दोनों साइड स्क्रीन ही स्क्रीन है, मतलब 7x7 का अगर स्क्रीन पूरा निकाल के हम उसको इंच अगर मेजर करें तो आपको 7 जो रेशियो 7x7 की हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए इतनी छोटी बैटरी कुछ समझ में नहीं आया। और इसे चार्ज करने के लिए 40 वाट का चार्जर दिया गया है, तो आई थिंक ठीक ठाक ही है, लेकिन बैटरी कम से कम 6000 mAh की मिनिमम मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। अब आप सोचोगे कि कैमरा इसमें कितना है, तो वैसे तो इसमें जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, इसमें कोई सेल्फी कैमरा है ही नहीं। आपको सेल्फी लेना है तो फ़ोन को उल्टा करो और 4-4 कैमरे आपको देखने लगेंगे। मतलब आप सेल्फी ले सकते हो, उसमें 48 मेगापिक्सल का भी है, और आपको बोका इफेक्ट यार फलाना धमाका तमाम सारे जो भी कैमरे इस समय नॉर्मली आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो हाईलाइट है वो 108 मेगापिक्सल कैमरा है। भाई वैसे तो उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी हमें बैटरी की ज़रूरत है। अरे फ़ोन बनाए हो तो उसमें कम से कम बैटरी तो बड़ी डालते। वैसे तो सब कुछ ठीक ही ठाक है फ़ोन में, और हाँ हमें वो मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। सबसे पहली चीज़, अगर आप फ़ोन की नोटिफिकेशन की बात करोगे कि हम नोटिफिकेशन कैसे देखेंगे, तो आप फ़ोन को ऐसे करके यहाँ पे नोटिफिकेशन देखोगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि आपको इस फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आएंगे वो इस साइड में आएंगे। वैसे तो हमारे फ़ोन में तमाम सारे व्हाट्सएप के इधर उधर के मैसेजेस आते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो बैटरी है वो तो मैसेज में ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब जब भी मैसेज आएगा गर्लफ्रेंड का या फिर किसी और का, तो पूरी स्क्रीन ही जल जाएगी आगे पीछे इधर उधर। मतलब अगर आप मैसेज देखना भी चाहते हो कि एक प्राइवेट मैसेज आया है, तो आप तो देख ही रहे हो, पीछे वाला आदमी भी देख रहा है। लो भाई लो देखो, तुम भी प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा इसमें। अगर इसमें ऑप्शन है फ़ोन में तो अच्छी बात है कि आप पीछे स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, हाफ स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हो केवल आगे, या फिर आप चाहो तो फुल स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ वैसे अगर वीडियो वीडियो देखने का मज़ा है तो आप क्या उखाड़ लोगे बताओ ना, आप आगे देखोगे आधी तो पीछे चली जाएगी, तो क्या उसको हम पलट पलट के देखेंगे? फिल्म विल्म देखना हो, मूवी देखना हो, तो कुछ समझ में नहीं आया। वैसे अगर हम बात करें, इसमें एंड्रॉयड 10 है और EMUI 11 इस फ़ोन के अंदर पहले से ही घुसेड़ के रखा है इन्होंने, तो
तो फ़ोन काफ़ी हाईलाइटेड है, कॉन्सेप्टेड है। अगर प्राइस की बात करें तो चाइना में इसका प्राइस है 2 लाख रुपए के आसपास, और अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में आता है तो सारे कटौती करने के बाद 2,40,000 के आसपास पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से लाने में जो खर्चा होगा उसका भी तो हमें ही चार्ज देना होता है ना। तो ये चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरी ओपिनियन यही है कि इस फ़ोन को ना ले तो अच्छा है, क्योंकि अगर गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो फ्रेम दिया गया है वो ही बहुत ही अच्छा दिया गया है। मतलब फ़ोन का स्क्रीन भले ही टूट जाए, फ्रेम नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मेटल से बनाया गया है। उसका नाम तो मुझे भूल गया, विकिपीडिया पे जाके पढ़ लेना, टॉप में इस समय सर्च में आ रहा है। तो ये फ़ोन है, और ओपिनियन की बात मैं क्या ही करूँ, इतना महंगा फ़ोन है तो क्यों हम अपना कटवाने जाएं, इससे अच्छा नहीं लें तो अच्छा है ना। इतना महंगा फ़ोन कहीं हाथ से छूट गया तो भाई दिल गुर्दे फेफड़े सब बेचने पड़ जाएंगे। तो यही फ़ोन है आपके सामने, आपको बता दिया, आपको जो समझ में आए। वैसे तो फ़ोन ये मार्केट में है नहीं अभी, उन्होंने ओपिनियन लिया है कि अगर लोग ख़रीदना चाहते हैं इतना महंगा फ़ोन तो हम ज़रूर बेचेंगे। भाई कौन नहीं चाहता हमारा फ़ायदा हो। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे यार एनर्जी ख़त्म हो रही है हमारी, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो फटाफट से कर लो, फिर हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे जैसा कि पहले बना रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।